और इनको को फार्म भरवाया। फार्म तीनों जो हमारी लेडीज सीटें हैं भील समाज की जो लेडीज जीती है अलग अलग 28 नंबर से मीरा देवी थी, 8 नंबर से बर्जी देवी थी, 33 नंबर से सुनीता देवी भील थी। तो इस तरह से हमने ये दिया था। तो इन लोगों ने हम लोगों को सबको समझाइश करके भाई तुम भीलों के बनेगी तो एक ही बनेगी, हमें उससे कोई नाराज नहीं था, हमें संतुष्ट पर विश्वास पर लेना चाहिए ना भाई। तीनों को हम उठा के टाई डाल देते, गोली डाल देते, जिसकी आती वही बन जाता, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर हमें अंधेरा में रखा के प्रथम बात यह थी तीनों को सार सार ला करके अलग अलग सिंबल दिखा करके फार्म भर लिए गए और मेरे सामने फार्म भी भरा इन लोगों ने पहले एक दिन पहले। कैसा आप बाबी जी का फार्म कंप्लीट है, आप चिंता छोड़ो ये कंप्लीट है। उसके बाद में इनको यहाँ जिला परिषद भी लाया गया, एक एक को ले जा करके फार्म जमा करवाया, लेकिन फार्म के साथ सिंबल बर्जी देवी का ही लगा। इनको अंधेरे में रखा और हमें भी अंधेरे में रखा। जब वो तो बात कुछ आउट हुई समय गुजर जाने के बाद, तब मुझे रोष आया कि यार ये हुआ क्या। किसको दोषी मानते हैं इसमें आप? इसमें दोषी मैं इस जिले के सांसद सुभाष बेहड़ा को मानता हूँ, प्रेजेंट भी जिला अध्यक्ष लातूलाल तेली को मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कल मेरी पत्नी को मैंने चिल्ला चिल्ला कर रोकना चाह, इन लोगों ने दोनों हाथों से पकड़ के लातूलाल तेली और सांसद देखे, तो मैं पूछना चाह रहा था कि भाई तेरा फार्म लगाया तो फार्म गया कहाँ तेरे, बता। ये जाना था, मतदान करने से नहीं रोक रहा था मैं, मैं जानकारी लेना चाह रहा था कि भाई ये तो मेरा फार्म गया कहाँ लगाया है। तो अभी भी आपकी निष्ठा भाजपा में ही है? बिल्कुल, भाजपा का वन जन्मजात बीजेपी का वफादार सिपाही रहा, पार्टी के प्रति वफादार होते हुए समर्पित रहा और अभी भी रहूंगा, भविष्य में भी रहा। कुछ पैसे का लेन देन हुआ क्या? हाँ, पैसों का लेन देन। मेरी पत्नी ने कुछ ने कहा सुभाष बेहड़ा सांसद था और लातूलाल तेली कुछ भाजपा के पदाधिकारियों ने वहाँ मंदिर में ले जाकर एक गीता के ऊपर हाथ रखा करके छोकर किस्म के लेके ये तो भाजपा में ही तुझे वोट देना थी। पत्नी ने सोचा आपने कल 10 लाख रुपए का आरोप भी लगाया था, आरोप तो वह फिर वापस मेरे जो सामान था उसमें मिला और बैठे जी में बाद में तलाश करने के बाद देखता अभी वैसा पे वहाँ घर पे पूछा दिया इन लोगों ने। तो पैसे का लेन देन हुआ या नहीं हुआ? पैसा का लेन देन इन लोगों ने क्या, मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात को आप सुनिए सर, कि लिपापा कागज का था उसमें न मालूम कितना क्या भी पैसा हो, उसके हाथ ऊपर लगा के गीता के ऊपर कसम गिलाई गई दी गई। तो इन लोगों ने मेरी पत्नी सोचा भाई अपन तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, उसमें लड़ते पैसों का लेन देन की क्या जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी देंगे तो ये लातूलाल तेली ने जिला अध्यक्ष जी ने ये बताई और सब लो आप इनाम है हमारा और फिर आप वापस गाड़ी में बैठने के बाद सबसे वापस लिफाफे ले लिए गए। ये इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं ये लोग, तो हमारे साथ तो कुटाराघात किया भाई। मेरा तो जीवन पूरे इसी कर्म